हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। तो आज रीजनिंग के हम क्वेश्चन लेके आए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि 2 3 = 23 आगे क्या आएगा, ये अपन को दिया भाई। तो इसको कैसे हल करना भाई, देखो ये क्या है भाई, एक 2 और 3, ये क्या एक विषम संख्या है। तो 2 के बाद में 3 आता है, इसी प्रकार 23 के बाद में कितना आएगा, 23 के बाद में विषम संख्या कितनी भाई, प्राइमरी नंबर तो 29, तो कितनी भाई 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 29 भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन भाई, अगला पेज में। तो यहाँ पर देखो, अपन को दे रखा है कि z/x अनुपात में अपन देगा PQR दे रखा है, और अपन से पूछ रहा है x/z का रेशो क्या होगा। अब इस पर अपन देखो, सबसे बड़ी बात होती है, ये एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, और अपन जो नंबर मिलाने बैठ के तो अपन पे कभी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो नंबर नहीं मिला के हम डायरेक्ट बात करते, देखो कैसे कि एक्स की जगह क्या दे रखा, अपन को पी दे रखा है, जेड की जगह पी दे रखा, बाई की जगह अपन क्यू दे रखा है। तो देखो, एक्स की जगह अपन को आर दे रखा है तो अपन आर रखेंगे, बाई की जगह अपन को क्यू दे रखा है तो क्यू रखेंगे, और पी हो जाएगा। तो इसका ये वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने आसान तरीका से इस क्वेश्चन को किया होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते अपन, देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि अपन को दे रखा है 8 और 27 रेशो में, और अगला दे दिया अपन को क्या। तो अगला किस प्रकार से करेंगे भाई, ऐसा दोनों अपन अपन को खाली दे दिया ऑप्शन में, तो कैसे करेंगे देखो, ऑप्शन देख के क्वेश्चन को हो जाएगा। तो अपन को अपन ऐसे अंदाज लगाएंगे भाई कि ये किसका भाई 2 का Q है, और ये भाई किसका है 3 का Q हो रहा है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे भाई, इस प्रकार से अगली संख्या 4 का Q करेंगे और 5 का Q करेंगे, तो क्या होगा भाई, 4 का और 5 का Q करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, 4 का Q करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया अपने पास में, 125 आ गया। तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आसान तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे कि अपन को क्या टाइप में लेते अपन, देखो अपन को दिया है कि 7:350 अपन को पूछा 8 = क्या होगा। जैसे कि 7 का 350 होता है, 8 का क्या होने वाला है, ये अपन से पूछा। तो अपन किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, इसमें कमेंट बॉक्स में इसका सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आसान तरीका से सभी कर ही देंगे। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात करते देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आएगा इसी टाइप में जो नंबर सिस्टम में चल रहा हुआ है। तो देखो, जैसे कि अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये क्लियर आ चुकी है स्क्रीन। तो किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज से देखो भाई, जैसे कि अपने पास में आ गया भाई कितना 77 / 49 / 36
छत्तीस के बाद में आ गया 18, तो आगे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क्स बन गया भाई। तो इसको किस प्रकार से अपन आंसर इसको करने वाले, देखो भाई सबसे बड़ी बात होती आंसर को किस हिसाब से अपन को आंसर देना है। देखो एक बात देखनी इसमें भाई कि अपन 7 × 7 करते तो कितना आता भाई, 49 आता है। इसी प्रकार से अपन 4 × 9 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 36 आएगा। आ रहा है ना समझ, इसी प्रकार से अपन 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब कि 7 × ये किया है, फिर इसको किया, अब अपन क्या करेंगे 1 × 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। जो आगे की शिंक है यहाँ पे आएगी, जो कितनी आएगी वो 8 आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 8 जो शिंक आएगी ये अपना क्या है कि भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भाई इतना ही, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार प्रतिदिन आप वीडियो चाहते